लाज हिंसा का हिसाब लिया जा रहा है और जावेद अहमद पंप के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये आज की सबसे बड़ी खबर है। प्रयागराज को हिंसा की आग में झोंकने वाला वो मास्टरमाइंड, यही आशियाना उस मास्टरमाइंड का है जो अवैध तरीके से उसने निर्मित किया था, अवैध तरीके से इस भवन का निर्माण हुआ था, इस आलिशान बंगले को आप कह सकते कि उसने बनाया था। लेकिन डेढ़ घंटे से ज्यादा वक्त से बुलडोजर का एक्शन जारी है। 11 बजे का वक्त दिया गया था कि उस मकान को खाली करके चले जाएं और 11 बजे के बाद इंतजार किया गया क्योंकि गेट लॉक था। पांच आप तस्वीरें देखी हैं, इस एक्शन से जुड़ी हुई पांच तस्वीरें हैं, ध्वस्तीकरण से जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक नहीं दो दो बुलडोजर आए और दो दो बुलडोजर दो अलग अलग हिस्सों से ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। पहले इस घर का मेन गेट तोड़ दिया गया, उसके बाद बाउंड्री वॉल तोड़ी गई, फिर घर के कमरा बिल्कुल बना हुआ था उसको तोड़कर भीतर दाखिल हुई टीम, मुआयना किया गया और छत तक पहुंची। उसके बाद जब हरी झंडी दिखा दी गई कि अब आप तोड़ा जा सकता है क्योंकि भीतर सामान भी था, उस सामान को बाहर निकाला गया और कुछ दस्तावेज वहां से बरामद हुए, झंडे बरामद हुए क्योंकि वो पार्टी का महासचिव था। और जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त प्रयागराज में, जबरदस्त पुलिस फोर्स वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है, किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए, अप्रिय घटना ना घटित हो जाए, कहीं इसके समर्थक पहुंच ना जाए तो पहले ही तैयारियां हैं। ऐसे में आप बुलडोजर के इस एक्शन को देखें और ये तो पहली चोट थी, ये पहली चोट की तस्वीरें क्योंकि पहले इस गेट को तोड़ा गया और उसके लिए भी इंतजार करना पड़ा। इंतजार किया तकरीबन डेढ़ घंटे से ज्यादा का इंतजार किया और उसके बाद तोड़ा गया। और उसके बाद कुछ इस्लाम से संबंधित रिसर्च पेपर मिले, कुछ आधार कार्ड वहां से मिले, कुछ झंडे वहां से मिले। अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार इस घटनाक्रम से जुड़े हुए, एक एक तस्वीर एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक क्या इस वक्त तक हुआ है, कितना ध्वस्तीकरण आगे पहुंचा? देखिए बिल्कुल राजीव, लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। 12:30 बजे पुलिस प्रशासन बुलडोजर के साथ में जावेद मोहम्मद के घर पे पहुंचा था और अब 2 बज गए हैं, डेढ़ घंटे से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें सीधे आप देखेंगे, मकान के दाहिनी तरफ हम मौजूद है और दाहिने हिस्से को अब तोड़ा जा रहा है। लगातार जो है ये कार्रवाई चल रही है, डेढ़ घंटे के समय में अब तक काफी हद तक लगभग 30-40% तक इस मकान को क्षति पहुंचाई जा चुकी है। लेकिन बड़ा मकान है, 2 मंजिला मकान है और इसके पिलर्स को टारगेट करके धीरे धीरे इस मकान को ढहाने की तैयारी होगी। दोनों तरफ से बुलडोजर चल रहे हैं, दाई तरफ से एक बुलडोजर और बाई तरफ से एक बुलडोजर, क्योंकि दूसरी तरफ का जो इलाका है वहां पर खाली प्लॉट है, कोई और मकान नहीं बना है, इसीलिए बुलडोजर दोनों तरफ से मार कर रहे हैं लगातार। और यहां पर ये देखिए, नीचे के कमरे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, दाहिनी तरफ का ये इलाका के कमरा है ये, और उसके बाद में अब धीरे धीरे ऊपर की बालकनी और उस इलाके में ये बुलडोजर की मार होगी। लगातार जो है वो कार्रवाई यहाँ पर जारी है, कोई भी विरोध नहीं हुआ। मकान के अंदर एक दो लोग जो मौजूद थे, क्योंकि अंदर से कमरा बंद था, बाकी लोग जो थे वो पहले ही मकान को खाली कर चुके थे, लेकिन थोड़ा बहुत जो सामान था वो उन्होंने आखिरी मौके पर निकाला। लेकिन अभी लगभग 1.5 घंटा पूरा हो चुका है और लगातार ये कार्रवाई आप देख रहे हैं जारी है। सीधे तौर पर घात किया गया है अपराधी के इस मकान पर और सीधे तौर पर, चूंकि मुख्यमंत्री ने भी कल बैठक में कहा था कि सीधी कड़ी कार्रवाई करें, समय व्यर्थ ना करें, और कानपुर सहारनपुर के बाद प्रयागराज का नंबर आया और प्रयागराज के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पर ये प्रक्रिया चल रही है। सामने की तरफ आप देखिए, ये सामने का नजारा है, सामने जो मलबा दिखाई दे रहा है, ये सामने की तरफ मकान तोड़ा गया था, लेकिन इस मकान को अब दोनों तरफ से सीधे तौर पर टारगेट करते हुए दोनों तरफ से तोड़ा जा रहा है और ये कार्रवाई जो है लगातार जारी है। हम दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं, हमने आपको दाहिनी तरफ की तस्वीर दिखाई थी जहां एक जेसीबी बुलडोजर लगातार मार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखिए, ये बाईं तरफ का इलाका है, ये खाली प्लॉट है मकान की दूसरी तरफ, यहां पर जो है दूसरा बुलडोजर आप देखेंगे पीछे की तरफ कमरे से अंदर की तरफ घुस चुका है और इतनी क्षति वो यहां पर पहुंचा चुका है इस मकान को। ये कमरा पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और धीरे धीरे कर करके ऐसे ही ये पूरे मकान को ढहाया जाएगा। यानी कि एक्शन हुआ है प्रयागराज हिंसा को भड़काने के, मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर को गिरा करके ये संदेश दिया गया है। और हिंसा जो भड़की शुक्रवार को वो सबसे ज्यादा प्रयागराज में भड़की है, 91 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं, जेल भेजा गया अपराधी को और अटाला के इलाके में कल भी राजस्व की टीम पहुंची थी, वहां पर भी सर्वेक्षण हुआ है और उम्मीद है वहां भी एक्शन होगा। लेकिन आज का जो दिन है
वो मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के इस घर को ढहा के, इस दुमंजिला मकान को ढहा करके सीधे तौर पर यह संदेश दिया जा रहा है कि अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और इस कार्रवाई को करते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, कोई भी विरोध नहीं हुआ। जो स्थानीय लोग यहाँ पर आए थे उन्हें कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए, आस पड़ोस से कोई भी मौजूद नहीं है। और ये कार्रवाई जो है लगातार प्रयागराज में जारी है, कड़ा संदेश सरकार ने दिया है, अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चला है और ये बुलडोजर का काम जारी है। लगभग एक से डेढ़ घंटा और लगेगा क्योंकि बड़ा मकान है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लगातार प्रक्रिया चल रही है। लेकिन पूरी तरीके से इस मकान को ध्वस्त करके ही ये टीम यहाँ से वापस जाएगी। 12:30 बजे शुरू हुई ये कार्रवाई, डेढ़ घंटे से लगातार जारी है और उम्मीद है आगे आने वाले एक डेढ़ घंटे तक ये कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी। जी अभिषेक, बने रहे आप हमारे साथ, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कानपुर के बाद, अभी प्रयागराज से आप तस्वीरें देख रहे हैं। जेल में है मुख्य आरोपी, लेकिन घर पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन चल रहा है, बुलडोजर ताबड़तोड़ एक्शन में है और ऐसा लगता है कि बस कुछ घंटे और उसके बाद ये मकान जमींदोज हो जाएगा, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन इस बीच में उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं बातचीत। लगातार यूपी पुलिस अरेस्टिंग कर रही है, जो यूपी में हिंसा हुई है और क्या अपडेट है बताने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी। बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर। प्रशांत जी, अब तक कुल कितनी अरेस्टिंग हो चुकी हैं जो यूपी में अलग अलग जिलों में हिंसा हुई है और क्या अपडेट है? अब तक 304 लोगों की गिरफ्तारी आज सुबह तक हो चुकी है जो कि 10 तारीख की हिंसा से संबंधित है। उसके पूर्व कानपुर के हिंसा के संबंध में गिरफ्तारियाँ पूर्व में की जा चुकी हैं। सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि उपलब्ध साक्ष्यों, वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर ही कार्रवाई करनी है, किसी भी हालत में किसी निर्दोष के विरुद्ध कार्रवाई न हो, लेकिन कोई भी दंगाई बचने न पाए, इस सिद्धांत पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। धाराएँ अब की बार ऐसी लगाई गई हैं जिससे कि इनको काफ़ी दिनों तक हम लोग जेल के शिकंजों में रखेंगे और प्रॉपर तरीके से हम इनकी इस केसेस की पैरवी करेंगे, इस पर गैंगस्टर के भी केसेस लगाएंगे तथा इनके द्वारा जो राजकीय और निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई है उसकी वसूली भी हम इनसे करवाएंगे। मेन एक्यूज आप लोगों ने बनाया है, प्रयागराज में जावेद को बनाया है, कानपुर में हयात को बनाया है, तो क्या जो मेन एक्यूज जहां से जड़ जहां पे है आप लोगों ने उसको पकड़ा है, उसको अब आप और आगे कैसे ले जाएंगे कि बाकी दोबारा ये चीज ना रिपीट? वो लगातार हमारी बात पहले भी हो रही थी और धर्मगुरुओं से लगातार वार्ता चल रही है और पुलिस और प्रशासन हमेशा यही प्रयास कर रही है कि हमारा संवाद से ही समाधान निकल जाए, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जानबूझ के माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं और शांति व्यवस्था और लोक व्यवस्था किसी भी कीमत पे भंग नहीं होने दी जाएगी। जिलों में अरेस्टिंग हुई देखा गया है, जो वीडियोस भी सामने हैं पत्थरबाजी जिनमें, उसमें जुवेनाइल काफ़ी है, नाबालिग काफ़ी बच्चे हैं, तो क्या आपका मैसेज है उनके लिए? क्या आप एडीजी हैं पूरे यूपी के, आपका क्या मैसेज है और जब उनको पकड़ा जा रहा है तो उनको क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है? उनको पूरी बात बताई जा रही है, वो तो साक्ष्यों के आधार पर किया जा रहा है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है और पूर्व में है चीज़ें उनको समझाई गई, सभी लोगों को बताया गया। ये उन लोगों को भी समझना चाहिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रेयर के इमीडिएटली बाद भावनात्मक तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है और समाज के सभी वर्ग जो कि पीस लविंग हैं उनको आगे आके उसमें प्रशासन की मदद करनी चाहिए। पुलिस के द्वारा अत्यंत ही रिस्ट्रेन दिखाया गया है, बहुत ही धैर्य के साथ पुलिस ने कार्य किया है। सर, पुलिस पर भी अटैक हुए हैं, कई जवान घायल हुए हैं, क्या पुलिस, क्योंकि पुलिस डायरेक्टली मॉब पर अटैक नहीं कर सकती है, क्या डायरेक्शंस दिए गए इस चीज़ से कैसे निपटा जाए? पुलिस के ये कोई अगर कोई क्रिमिनल की तरह पुलिस बिहेव नहीं कर सकती, पुलिस अपने बताए हुए तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग के हिसाब से सभी की ब्रीफिंग पहले से की जाती है कि रेस्ट्रेन बरतना है और उसके बाद ही कार्रवाई हो रही है और अब तक पुलिस ने भरी धैर्य का परिचय दिया है और माय लार्ज चीज़ें शांतिपूर्ण रही है और हम आगे भी इसी तरीके से सबका सहयोग लेके शांतिपूर्ण तरीके से इस तरह के धरना प्रदर्शन को समाप्त करेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, सीएम के साथ भी मीटिंग्स आपकी लगातार चल रही, क्या डायरेक्शन दिया जा रहा है टॉप से? शासन के जो निर्देश होते हैं वहाँ से प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है, इस संबंध में इस तरह से कहीं पर बताना उचित नहीं है। शासन के जो निर्देश हैं वहाँ से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, डिटेल
और जो भी निर्देश है निर्वाचन के उस हिसाब से ही कार्रवाई आगे की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। इनका साफ कहना है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें इन्वॉल्व है किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आपने सुना। उन्होंने कहा कि दंगाई बचेंगे नहीं, धारा ऐसी लगाए गए हैं कि छूटने में उनके भी पसीने छूटेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुलिस क्रिमिनल की तरह बर्ताव नहीं कर सकती और उन्होंने अपने धैर्य का परिचय दिया। तो उन्होंने पुलिस कर्मियों की सराहना की है और ये एक्शन लगातार जारी है। आप दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ हयात हाशमी पर कार्रवाई हुई थी कानपुर में, तो अब प्रयागराज में ये बुलडोजर पहुंचा है और बुलडोजर एक्शन लगातार आप देख रहे हैं। मास्टरमाइंड के घर पर ये बुलडोजर चला है। आप बाउंड्री वॉल को और मुख्य गेट को टूटते हुए देख सकते हैं। पहले ही टूटा था, फिर दरवाजे को तोड़कर भीतर दाखिल हुई टीम, मुआयना किया गया और उसके बाद भीतर जो कुछ सामान था उसको धीरे धीरे बाहर निकाला गया और अब ये बुलडोजर दोनों ही तरफ से लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, दंगाई बचेंगे नहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, और दंगाइयों की अवैध संपत्ति भी नहीं बचेगी, उस पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए बिल्कुल, मेरे साथ में वो शख्स मौजूद है जिन्होंने कार्रवाई की। कहाँ कहाँ का इलाका आपने अभी शुरुआत की बुलडोजर की आपने ढाई, अभी अभी आपने क्या क्या किया है? अभी दीवार काटे हैं। दीवार काटे, दीवार में अंदर कहाँ कहाँ तक आपने वो किया है? अंदर की दीवारों को भी तोड़ा है अभी? हाँ भैया, अभी हाँ अंदर की दीवार भी काटे। मतलब कितना 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 लगभग हम मान सके 20% कितना? देख लें जाके। कितना समय और लगेगा उसको करने? अभी भैया कम से कम 4-5 घंटे। 4-5 घंटा यानी कि शाम तक ही चलेगा। थोड़ा सा ब्रेक आपने भी लिया? बिल्कुल। ये वो शख्स है जिन्होंने जो बुलडोजर पे लगातार यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। इनका मानना है 3-4 घंटे और लगेंगे क्योंकि मकान की भव्यता को अगर आप देखेंगे, ये देखिए सामने की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से आप ये इस कमरे को तोड़ा गया है, पीछे के कमरे को तोड़ा गया है, पाइपलाइन टूट गई है, पानी का रिसाव आप देख सकते हैं वहां पर हो रहा है, लेकिन जो है लगातार जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई है। और जैसा कि आपने कहा, एडीजी ने कहा है सीधे तौर पर अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी तरीके से, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को सीधे तौर पर कहा था कि अपराधियों की कमर को तोड़ा जाए। और कमर तोड़ने का मतलब सिर्फ जेल में डालने से नहीं है, आप संसाधनों के तौर पर उन्हें कमजोर करने की भी बात कही थी। और ये जो तस्वीर सीधे तौर पर दिखाई देती है जहां पर बुलडोजर चला है, अभी कुछ देर के लिए कार्रवाई रोकी गई है, लगातार 1.5 घंटे से ये कार्रवाई चल रही थी, 10-15 मिनट का ब्रेक है और उसके बाद में फिर से ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस मकान को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के बाद ही यहां से टीम जाएगी और 12:30 बजे जो कार्रवाई शुरू हुई थी वो लगातार यहां पर जारी है और पूरी तरीके से भारी सुरक्षा बल मौजूद है, कोई विरोध नहीं हुआ, किसी भी तरीके की कोताहियां नहीं बरती गई। और अगल बगल के जितने भी इलाके हम आपको दिखाते हैं, इस इलाके के मकान का कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकला है, कोई विरोध नहीं, जो लोग आए भी थे यहां पर उन्हें बाहर कर दिया गया। पुलिस प्रशासन ने पहले ही कह दिया कि आप इस इलाके को खाली कर दे, कार्रवाई में बाधा ना डाले। जो लोग एक आध वीडियो बना रहे थे उनको भी रोका गया कि सरकारी काम में ये बाधा है, इसीलिए किसी भी तरीके का विरोध नहीं है। और सीधे तौर पर इस कार्रवाई के जरिए बड़ा संदेश सरकार ने दिया है, प्रयागराज की जो हिंसा पनपी, जो पत्थरबाजी हुई, 91 लोगों को गिरफ्तार अभी तक किया गया है, नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया गया था, उस संदेश को देने की कवायद में आज जावेद मोहम्मद के घर को गिरा करके सीधे तौर पर यूपी सरकार और प्रशासन ने एक कड़ा संदेश दिया है। और कानपुर सहारनपुर के बाद इस बुलडोजर ने आज रुख किया प्रयागराज का, जहां ये कार्यवाही लगातार जारी है। जी बिल्कुल अभिषेक, लौट रहा हूं आपके पास। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले नोटिस जस्पा किया और उसके बाद ये बुलडोजर भेजे गए, फिलहाल रेस्ट पर है बुलडोजर। थोड़ी देर का एक ब्रेक और उस ब्रेक के बाद ये जो बुलडोजर है फिर से एक्शन में शुरू हो जाएंगे, फिर से एक्शन में ये आ जाएंगे। अवैध निर्माण को लगातार तोड़ा जा रहा है। पीडीए ने नोटिस में कहा था कि अथॉरिटी से बिना परमिशन लिए, बिना अनुमति लिए अवैध निर्माण किया गया भूतल पर और फर्स्ट फ्लोर पर, प्रथम तल पर निर्माण कर दिया गया बिना परमिशन के, बिना इजाजत के। फिर इसके बाद 10 मई को हुआ ये, तो कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। फिर सुनवाई हुई तो उसमें जावेद नहीं पहुंचा, उनके अधिवक्ता नहीं पहुंचे, फिर उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट नहीं हुए, अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, तो सब्र गवान टूटा। और अब देखिए बुलडोजर एक्शन है, बुलडोजर एक्शन में है, अभी इस वक्त बुलडोजर ब्रेक पर है और उसके बाद फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। अभिषेक हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं। अभिषेक, 4-5 घंटे का बताया जा रहा है कि वक्त लग सकता है, ऐसे में अभी क्या होगा? क्या पूरी इमारत को तोड़ा जाएगा या इमारत को एक तरीके से खोखला कर दिया जाएगा? अगर भूतल को तोड़ेंगे तो फिर फर्स्ट फ्लोर के गिरने का तो खतरा रहता ही है, फिर बुलडोजर चला रहे लोगों की जान को भी खतरा उस वक्त बन सकता है।
देखिए बिल्कुल राजीव, हमने अभी अभी बुलडोजर चालक से बात की और उसने भी हमसे बातचीत में कहा है कि अभी सामने की तरफ की जो दीवार उसको तोड़ा है, अंदर की दीवारें दिख रही हैं वो टूट चुकी हैं, बीच में एक आंगन जैसा जगह आपको दिखाई दे रहा होगा वो खाली जगह है, यानी कि दोनों तरफ से दाई और बाईं तरफ दोनों तरफ से लगातार ये प्रक्रिया जारी है और यहाँ पर इस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। समय चित 4 से 5 घंटे का बिल्कुल बताया जा रहा है क्योंकि बड़ा मकान है, आप पूरे मकान को अगर फुल शॉट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अभी 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हुआ है और अभी इतना ही ध्वस्तीकरण हो पाया है, यानी कि अगर जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि शाम 6 बजे तक 7 बजे तक ये कार्रवाई शायद चलेगी और इतना समय लग जाएगा। चूंकि इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को गिराने में सीधे तौर पर जो उसका आधार होता है, जो उसकी फाउंडेशन होती है, जिन पिलर्स पे मकान खड़ा होता है उसको टारगेट किया जाता है, तो दीवालों को खोखला करके और आगे की तरफ जिस पिलर पे ये मकान खड़ा है उस पिलर पर सीधे तौर पर वार करके इस मकान को ढाया जाएगा और अगर भूतल अपने आप खंडित हो जाता है तो जो पहला माला है वो अपने आप नीचे आ जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ध्वस्तीकरण का काम जो है वो यहाँ पर प्राधिकरण के द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। जहां तक सुरक्षा की बात है उसका पूरा इंतजाम यहाँ नजर आ रहा है, आप देखेंगे पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो फोर्सेस थी वो यहाँ पर तैनात है पूरे तौर पे, क्योंकि ये मकान जो है वो कॉर्नर का मकान है, बगल के इस प्लॉट में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो पूरा ये खाली करा लिया गया है। जो लोग आ भी रहे हैं, जो यहाँ के लोकल है उनसे कहा जा रहा है वो यहाँ से ना जाए, पीछे की गली से जाए, तो कोई इस तरीके की आशंका नहीं है कि अगर ये मकान गिरेगा भी तो कोई हानि हो या किसी भी तरह की ऐसी स्थिति हो, तो उसको लेकर के पहले ही पुलिस ने यहाँ पर जो है इंतजाम कर रखे हैं। लेकिन सामान मैं आपको दिखाता हूँ, जो सामान सुबह जो है बाहर निकाला गया था, कुछ फर्नीचर यहाँ पर है, कूलर है, कुछ चीजें यहाँ पड़ी हुई है, कुछ गद्दे बिस्तर यहाँ पड़े हुए हैं, सामने की तरफ आप देखेंगे तो वहां भी कुछ सामान जो है ताबड़तोड़ एक वॉशिंग मशीन पड़ी हुई नजर आ रही है। जल्दी जल्दी में, क्योंकि समय 11 बजे का दिया गया था लेकिन जो आदेश है उसको नहीं पालन किया गया, लेकिन आखिरी समय में जिसे जो हाथ लगा वो उठाते उठाते यहाँ पर फेंकते हुए चले गए, लेकिन अभी जो है वो सीधे तौर पर कार्रवाई जो है वो थोड़े समय के लिए भले ही इसमें अल्प विराम लगा है लेकिन कुछ समय में 10 से 15 मिनट के बाद ये फिर से कार्रवाई शुरू होगी और लगातार जो बुलडोजर है वो दोनों तरफ से यहाँ पर वार करते हुए प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी और जिस तरीके से अवैध निर्माण का यहाँ पर जो बात कही गई है 25/60 फीट के इस मकान की, ठीक है अभिषेक लौट रहा हूं मैं आपके पास। जावेद के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, अभी थोड़ा सा ब्रेक में है बुलडोजर लेकिन फिर से एक्शन शुरू होगा। इस बीच में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज तक से खास बातचीत में कहा है कि हिंसा करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी मौजूद है हमारे साथ। अनुराग सर, जो चीजें इस वक्त हो रही हैं, पत्थरबाजी हुई, हालांकि पुलिस ने अरेस्टिंग भी करी है देश में यूपी में, आप कैसे देख? कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि हिंसा का कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं है। आप अपनी बात रख सकते हैं लेकिन पथराव करके और तोड़फोड़ करके इसका कोई हल नहीं निकलता है। और जो लोग इसमें शामिल हैं, जो अपना राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, कोई समाज को बांटना चाहता है, इनके चेहरे भी बेनकाब करने चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए और हर राज्य को करनी चाहिए। विपक्ष अरेस्टिंग पर भी सवाल उठा रहा है। सवाल विपक्ष किसी पर भी उठाए, सवाल ये खड़ा होता है क्या पत्थरबाजी की, हिंसा फैलाने की, क्या ये इनको कहाँ से ताकत मिल रही, कौन लोग इनके पीछे, उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। लोकतंत्र में उस तरह से हिंसा का कोई स्थान नहीं। और जो ऐसी संस्थाएं हैं वो एक बार नहीं बार बार उनका नाम, चाहे उत्तर प्रदेश है बाकी राज्य हो, उनका नाम बार बार आता है और ये उचित नहीं है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव को बीजेपी ने सस्पेंड किया है, उसके बाद भी इनका कहना है कि और कुछ एक्शन हो तभी हम बंद करेंगे प्रदर्शन और पत्थरबाजी। देखिए, प्रदर्शन करना और पत्थरबाजी करने का साफ देश के सामने इनका चेहरा आया है कि किस तरह से ये लोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिए देश का नुकसान कर रहे हैं। राष्ट्र हित से बड़ा इनके लिए अपना राजनीतिक हित है, यही अंतर है कि अपनी राजनीति को पहले देखते हैं, हम राष्ट्र को पहले देखते हैं। सवाल है, कांग्रेस एकजुट हो रही है ईडी कार्रवाई को लेकर, आप क्या? आखिरकार राहुल जी को और सोनिया जी को किस बात का डर है? क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों दबाव बनाना चाहते हैं? क्यों इतना डर पैदा हो रहा है कि ईडी के सामने आने के लिए? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो छिपाने का क्या है, और अगर गलत किया तो हिसाब देना ही चाहिए। आखिरकार देश के लिए कानून एक बराबर है, किसी एक परिवार, एक पार्टी, एक व्यक्ति के लिए कानून अलग नहीं हो सकता। ये कार्रवाई हो रही है और इसके चलते उनको अपने बयान दर्ज भी कराने चाहिए और देश के सामने सच्चाई भी आनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हलवाई साथ अनुराग ठाकुर जी, इनका कहना है कि जो जिन्होंने भी पत्थरबाजी करी है उनके खिलाफ यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, पूरे देश में जहां भी प्रदर्शन होगा सख्त कदम उठाया जाएगा। कैमरा मैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव। आज तक यूपी में हिंसा का हिसाब हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त है और एक्शन जबरदस्त है। 10 जून को जुमे के दिन जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई वहां पर सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। प्रयागराज में अब तक 91 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी में जुमे की नमाज के बाद बरसते हर पत्थर का हिसाब हो रहा है, हर उस साजिश की तफ्तीश हो रही है जिसने बच्चों को ढाल बनाया, हर उस नापाक प्लान पर एक्शन हो रहा है जिससे माहौल बिगड़ा। प्रयागराज में अटाला के इसी इलाके में हिंसा भड़की। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पुलिस को बकायदा लिख कर दिया था कि जुमे की नमाज के बाद ना कोई प्रदर्शन होगा ना कोई जलसा, किसी तरह की नारेबाजी भी नहीं होगी। लेकिन शुक्रवार को जो हुआ वो सन कर देने वाला था। जुमे की नमाज के बाद अटाला की मस्जिद से बाहर आते ही माहौल बिगड़ गया। पहले नारेबाजी हुई और फिर पथराव और तोड़फोड़। पुलिस वापस जाने के लिए कहती रही, सख्ती दिखाती रही, लेकिन गलियों से मुंह ढककर निकलते बच्चे पत्थर बरसाते रहे। अब एक्शन की बारी। प्रयागराज हिंसा का मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप गिरफ्तार हो गया है। जावेद पंप पर हिंसा भड़काने का आरोप है। घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। घर खाली करने की मोहलत खत्म हो गई है। कभी भी बुलडोजर वाला एक्शन हो सकता है। ये नोटिस हम आपको दिखाते हैं जिसको चस्पा किया गया है प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जरिए। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है ये जो निर्माण है इस जगह का वो अनाधिकृत है, अपेक्षित अनुमति के बगैर किया गया है। 25-50-60 फीट की साइज में भूतल और प्रथम तल का निर्माण है और इसके लिए जो है अधिनियम की धारा 1973 की 27(1) के अंतर्गत 10/5 यानी 10 मई को एक नोटिस जारी किया गया था। उसकी सुनवाई 24 मई को थी, उसमें इनके अधिवक्ता नहीं पहुंचे और उसके बाद में 9 जून तक का समय दिया गया था कि ये इस मकान को खुद ध्वस्त कर ले, लेकिन उसकी बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। तब जाके आज 12/6 यानी कि आज की तारीख में 11 बजे तक का समय दिया गया है कि इस मकान को ध्वस्त किया जाना और इसके लिए अपना सामान बाहर निकाल लें और इस जगह को खाली कर दे। कभी टुल्लू पंप का धंधा करने वाला जावेद कहने को तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश महासचिव है, लेकिन उस पर जो आरोप लगे हैं वो संगीन है। आरोप है कि उसी ने बच्चों को ढाल बनाया, उसी ने पत्थर को हथियार बनाया। अभी तक जो मास्टरमाइंड सामने आया है उसका नाम जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप, ये आदमी है। इसके अलावा और भी सारे मास्टरमाइंड हो सकते हैं, उनकी पूछताछ की जा रही है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। अब आरोप लगाने को कोई कुछ भी आरोप लगाया उसका क्या कहा जा सकता है, जबकि वो प्रशासन के साथ हमेशा साथ में उठते बैठते रहे हैं, प्रशासन के फेवर में हमेशा रहे हैं और प्रशासन के साथ चले हैं हमेशा, और बहुत सही अच्छे इंसान हैं और हिंदू मुस्लिम को साथ में ले कर चलने वाले इंसान हैं और सभ्यता के साथ चलने वाले इंसान हैं। क्या कहा जाए, अब रात में पुलिस आती है, बड़ी पोलाइटली लैंग्वेज में कहती है एसएसपी साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। वो इजली इसलिए चले गए कि उनका अधिकारियों के साथ उठना बैठना था, पहले से भी था, वो अधिकारियों के साथ उठते बैठते थे, बातचीत करते थे, तो वो बड़ी इजली चले गए। उनको भी इस चीज का ख्याल नहीं था कि हमारे ऊपर ऐसा कोई आरोप लग जाएगा। प्रयागराज हिंसा मामले में अब तक 3 FIR दर्ज की गई जिनमें 95 नामजद आरोपी हैं, तो 5000 अज्ञात उपद्रवी भी हैं। कई सियासी चेहरे भी हिंसा के आरोपी हैं। इनमें समाजवादी पार्टी के पार्षद फजल खान और दिलशाद मंसूरी, AIMIM के जिला अध्यक्ष शाह आलम और जिशान रहमानी के साथ साथ मजदूर सभा के नेता आशीष मित्तल शामिल है। डीजी साहब ने कहा है कि पूर्व में CA और NRC के प्रोटेस्ट में जिला अध्यक्ष आलम साहब और क्या नाम है जिशान रहमानी की संलिप्ति थी। हमें लगता है कि इसमें भी इनकी संलिप्ति हो सकती है, ये कहा ? तो मैं ये बात बताना चाहता हूं कि 72 घंटे का समय है, पूरा तंत्र है उनके पास, नेशनल TV चैनल पर दे दें, MIM पार्टी को ना दें, उसके प्रमाण दे दें कि जिला अध्यक्ष आलम साहब ने वहां पर अद्धा पत्थर चलवाए या अद्धा पत्थर के लिए क्या नाम है फंडिंग की है, या तो क्या नाम है उन्होंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर उत्तेजित मैसेज डाला है। जुमे पर हिंसा और पथराव पर योगी सरकार एक्शन मोड में है।
प्रयागराज से लेकर कानपुर तक और सहारनपुर से लेकर हाथरस तक हर गुनहगार की तलाश हो रही है जिसने हिंसा की चिंगारी भड़काई। प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रयागराज में हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद अहमद पंप के घर पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का यह एक्शन लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको देते हैं, मेन गेट तोड़ दिया गया है, साइड से डैमेज कर दिया गया है पूरे के पूरे इमारत को और अब धीरे धीरे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। मौके पर बड़ी पुलिस फोर्स तैनात है, भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है। पहले नोटिस चस्पा किया गया था, कहा गया था 11 बजे तक मकान खाली कर दें, अल्टीमेटम था 11 बजे तक, लेकिन तकरीबन 1:15 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई। बुलडोजर 12:30 तक पहुंच गए थे और ये एक्शन लगातार जारी है। अभी तक ब्रेक पर थे बुलडोजर, लेकिन अब जो एक्शन है, एक्शन की तस्वीरें भी सामने आने लगी। तो बड़ी खबर प्रयागराज से आपको दे रहे हैं। प्रयागराज में नूपुर शर्मा की बयान के बाद विरोध प्रदर्शन, लेकिन प्रदर्शन ऐसा कि हाथों में पत्थर और पत्थर लिए हुए ये प्रदर्शनकारी पुलिस पर बरसा रहे थे, आगजनी कर रहे थे और जो मास्टरमाइंड था, जो भड़काने वाला था, जावेद पंप के घर को खाली कर लिया गया, जो छुटमुट सामान था उसको बाहर निकाला गया, कुछ दस्तावेज भी मिले जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। बुलडोजर, दो बुलडोजर पहुंचे हैं और दो बुलडोजर लगातार एक्शनरत हैं, एक्शन लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 तस्वीरें, दो बुलडोजर से एक्शन। पहले घर का गेट तोड़ा गया, मेन गेट तोड़ा गया क्योंकि गेट भीतर से लॉक था। अब पंप के घर वाले भी बहुत स्मार्ट, उन्होंने भीतर से लॉक लगा रखा था, दरवाजों को भीतर से लॉक किया था ताकि लगे कि भीतर कोई है। ऐसे में बुलडोजर एक्शन में देरी हुई क्योंकि 11 बजे का वक्त था। बुलडोजर में एक्शन में देरी की वजह यही है क्योंकि भीतर से गेटों को बंद किया गया था, गेट्स भीतर से बंद थे तो इंतजार करते रही टीम काफी देर तक, घंटों इंतजार, और उसके बाद भीतर दाखिल हुई जब टीम तो धीरे धीरे ये एक्शन अब शुरू। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, अब क्या चल रहा है, चूंकि अब तक तो ब्रेक था, क्या एक्शन दोबारा शुरू? देखिए बिल्कुल राजीव, अब जो है कार्रवाई को और तेज किया गया है, एक बड़ा बुलडोजर और आया और देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है। यहाँ पर सीधे तौर पर पहले फ्लोर को अब ऊपर सीधे हिट कर रहा है ये, और सीधे तौर पर जो है वो यहाँ पर इस कार्रवाई को और तेज किया गया है। यहाँ पर 3 बुलडोजर इस वक्त है, बड़ी जेसीबी बुलाई गई है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि बड़ा मकान है और इस मकान को गिराने में समय लगेगा, तो बड़ी पावर के साथ में ये देखेंगे आप बुलडोजर किस तरीके से यहाँ पर अब पहले फ्लोर पर ग्राउंड फ्लोर के दोनों तरफ से वार करने के बाद में अब पहले फ्लोर को ध्वस्तीकरण का काम किया जा रहा है। यानी कि अब कुछ ही समय में, चूंकि बड़ी मशीन के जरिए ये कार्रवाई की जा रही है, तो जल्द ही ये मकान जो है ढहने की स्थिति में होगा। पूरी सुरक्षा के बीच में कार्रवाई की जा रही है, पूरे इलाके को, अब बगल के प्लॉट को भी पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है क्योंकि जो रफ्तार है बुलडोजर की वो बहुत तेज है। और ये देखिए किस तरीके से बड़े बड़े वार के जरिए यहाँ पर जो है पूरा जो पहला फ्लोर है वो यहाँ पर निशाने पर है और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो काफी तेज हो गई है। लगातार पिछले 2.5 घंटा लगभग होने वाला है ये कार्रवाई लगातार जारी है और अब हमें लगता है कि जिस रफ्तार से ये कार्रवाई पकड़ी है अगले 1 से 1.5 घंटे में शायद ये कार्रवाई पूरी कर ले, क्योंकि अब बड़ी जेसीबी मशीन के जरिए आप देखिए किस तरीके से सीधे आप तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे इसे ढहाने की जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है। लगातार सुबह 12:30 बजे से दोपहर में ये कार्रवाई शुरू हुई, इस वक्त जो है लगातार 2:30 बज चुका है और ये कार्रवाई तेज कर दी गई है। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है, आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा, आपने सामने भी आप देखेंगे सामने की बिल्डिंग में कोई मौजूद नहीं है, सभी जो स्थानीय लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो अपने अपने घरों में हैं और यहाँ पर सीधे तौर पर जो है इस कार्रवाई के जरिए कड़ा संदेश है। और देखिए धुएं का गुबार जो जिस तरीके का मलबा है उसका जो उसकी जो धूल उड़ रही है वो सीधे तौर पर दिखा रही है कि कितने विकराल इमारत को, जिस इमारत को जावेद मोहम्मद ने बनाया था, अवैध निर्माण था, उस इमारत को ढाया जा रहा है। और ये कार्रवाई जो है, ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है वो तेज कर दी गई है कार्रवाई और सीधे तौर पर अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, हमें लगता है कि अगले 1 से 2 घंटे में, क्योंकि रफ्तार ये देखिए एक और बार किया गया, जो रफ्तार है वो तेज है,
सामने के माले के आपको कमरा दिखाई दे रहा होगा, ऊपर की तरफ सीधे सीधे इस पर वार करके अब इसको गिराया जा रहा है। और ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पर सीधे तौर पर बुलडोजर, तीन तीन बुलडोजर यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, लगातार वार कर रहे हैं। और इस कार्रवाई के जरिए कड़ा संदेश जो सरकार ने कहा था कि अपराधी का जो घर है, अपराधी का जो अवैध कब्जा है, अपराधी के अवैध संपत्ति को तोड़ेंगे, और आज इस कार्रवाई को पूरी तरीके से यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, ये तो क्लियर है कि योगी सरकार हिंसा के मामलों में चुप नहीं रहने वाली। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक और बुलडोजर बुला लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बड़ी जानकारी दी, पहले दो बुलडोजर लगे हुए थे लेकिन अब एक बड़ा बुलडोजर पहुंचा है जिसका वार चल रहा है, जिसका जबरदस्त वार चल रहा है। अब आप देखिए मेरे पीछे, बिल्कुल ये है वो बुलडोजर। ये बुलडोजर पहले जो आया था, जिसने मुख्य गेट पर हमला किया और मुख्य गेट तोड़ दिया गया, और यहीं से इसी गेट से भीतर दाखिल हुई थी टीम। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, एक और ऐड हो गया है, तीसरा बुलडोजर इसमें जुड़ गया है और तीसरा बुलडोजर लगातार वार कर रहा है। पहले भूतल पर वार हो रहा था, नीचे आपने देखोगे कि आर पार कर दिया गया था, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब प्रथम तल पर जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर हिट हो रहा है, उस पर हमला हो रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है और धूल का जो गुबार है वहां पर नजर आ रहा है। आप बिल्कुल विजुअल्स देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो दो बुलडोजर थे पहले लेकिन अब इसमें ऐड हो गया है। हमारे साथ अभिषेक लगातार, अभिषेक तीसरा शायद इसीलिए बुलाना पड़ा ताकि इंतजार थोड़े और ना करना पड़े, ज्यादा वक्त इसमें लग रहा था और शायद छोटे बुलडोजर थे जो पहले दो आए थे। देखिए बिल्कुल, और पहले जो दो बुलडोजर लगातार वार कर रहे थे उसके बाद ये तीसरा बुलडोजर जो बड़ी क्षमता के साथ में है, बड़ी फोर्स के साथ में है, इसकी इतनी क्षमता है कि ये इस बड़ी इमारत को कुछ समय में ढा सकता है, तो इसने अब एक्शन करना शुरू कर दिया है। और अभी चंद मिनट में, 10 मिनट का भी समय नहीं हुआ है, काफी क्षति इस इमारत को पहुंच चुकी है और लगातार ये कार्रवाई अगर यहाँ पर आधे से घंटे चलेगी तो उम्मीद करते हैं कि पूरा जो मकान है वो ढह जाएगा। आप देखेंगे सामने की तरफ के इलाके में, सामने ऊपर के फ्लोर को तोड़ा जा रहा है, पहली दीवार तोड़ ली गई है और वो धीरे धीरे दीवारों को गिराने के बाद में पिलर पर वार होगा, और पिलर पर जैसे ही वार होगा ये पूरी इमारत ढहकर नीचे आ जाएगी सीधे तौर पे। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं आज तक पर किस तरीके से कार्रवाई को तेज किया गया है। समय लग रहा था पहले, चूंकि दो बुलडोजर आए थे वो दाएं और बाएं तरफ से पहले नीचे से यानी कि भूतल पर वार कर रहे थे, खोखला कर रहे थे, लेकिन अब ये बड़े बुलडोजर ने यहाँ पर कमान संभाली और आप देखेंगे कैसे ताबड़तोड़ एक के बाद एक दीवार गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और ये जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है। सीधा संदेश है और पूरे इलाके में इस समय सन्नाटा पसरा है। ये मैसेज केवल एक घर से नहीं, पूरे इलाके में सन्नाटा है, हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई अपनी बालकनी में है, ना कोई अपनी खिड़की पर है, अपने घरों से लोग नहीं निकल रहे हैं। ये कार्रवाई जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। आप देखेंगे सामने की तरफ भी जो है वो छत पर जो है वो आपको पुलिस अधिकारी दिखाई देंगे, वो भी निगरानी रखे हुए हैं कि यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से अगर कोई आसपास है तो उसे हटाया जाए। सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है, चाहे मीडिया कर्मी हो, स्थानीय लोग हो, सभी को जो है यहाँ से बाहर कर दिया गया है क्योंकि बड़ी कार्रवाई चल रही है, इमारत कभी भी गिर सकती है और अगर गिरेगी तो कोई हानि ना हो, इसीलिए इस इलाके को खाली कराया गया है। ये देखिए एक पॉज यहाँ पर लिया है जेसीबी ने फिलहाल, और लगातार जो है यहाँ पर ध्वस्तीकरण के बाद की शक्ल देखिए आप, किस तरीके से इस इमारत की हालत अब हो चुकी है, 40-50% तक ये खोखला हो चुका है और अब कुछ ही समय में चूंकि लगातार ये प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है, हमें उम्मीद है कि जल्द जो है ये पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। सीधा संदेश, कड़ा मैसेज, अपराधी के खिलाफ जिस तरीके की बात कही गई थी, जिस तरीके के एक्शन की बात कही गई थी उसे पूरा किया गया है और जावेद मोहम्मद जिसको बताया गया, जिसको मुख्य तौर पर जो नामजद है, जो आरोपी है, जिस जो जिम्मेदार है इस हिंसा के लिए, जिसने इस हिंसा को भड़काने का काम किया, सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने का काम किया और प्रयागराज की हालत जो बेकाबू हो गए, ठीक है। हावड़ा में हुई हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति को भी सुलगा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी इस मामले में ममता बनर्जी को हिंसा रोकने में नाकाम बता रही है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। ममता बनर्जी की हिंसा रोकने की अपील का जब लोगों पर असर नहीं हुआ तो आज उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी के किए गए भुगतान जनता क्यों करे। हावड़ा हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्म, बीजेपी ममता पर वार कर रही है तो ममता बीजेपी पर पलटवार में व्यस्त है।
हालांकि राजनीतिक विवाद से हावड़ा पर कोई असर नहीं पड़ा, वहां हिंसा आज दूसरे दिन भी जारी रही। हावड़ा में पत्थरबाजों ने बीजेपी ऑफिस को फूंक दिया तो बीजेपी का पारा हाई हो गया। बीजेपी नेताओं ने प्रशासन और शासन की इस नाकामी को शर्मनाक बताया और खूब हंगामा किया। एक तरफ बीजेपी ने अपने ऑफिस में हुई तोड़फोड़ और आगजनी के लिए ममता को जिम्मेदार ठहराया तो कुछ देर बाद ममता ने एक ट्वीट कर हिंसा की वजह बीजेपी के पाप को ठहरा दिया। हावड़ा जिले में लगातार दूसरे दिन हिंसा हो रही है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं जो चाहते हैं कि दंगे हों। बीजेपी के गुनाहों की सजा आम लोग क्यों भुगते? ममता बनर्जी के ऐसे रवैये के बाद तो जैसे बीजेपी आग बबूला हो गई। हिंसा रोकने में नाकाम ममता के ऐसे तेवर देखने के बाद बीजेपी नेता सौमित्र खान ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने हालात काबू में लाने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजने की अपील की। And because of BJP, the ordinary people are suffering. I want to say we are sin. We are doing a sin because we have a chief minister like Mamata Banerjee, who is so incapable to handle any kind of this kind of a situation. राजनीतिक तमाशा सिर्फ इसी पर नहीं रुका। आज सुबह कोलकाता में जब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार अपने घर से निकले तो उनके घर के सामने बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी। पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश था कि सुकांता मजूमदार को किसी भी हाल में घर से बाहर न जाने दिया जाए, लेकिन जैसे ही ये बात बीजेपी कार्यकर्ताओं को पता चली तो बखेड़ा खड़ा हो गया। से ये चल रहा है और कब से आपको रोक के रखा गया है? सुबह 11 बजे जब मैं निकला यहाँ से, जैसे आपको पता है कि कल हमारे पार्टी ऑफिस को वहाँ पे तोड़ा गया। सिर्फ बीजेपी के पार्टी ऑफिस को तोड़ा नहीं गया, हमारे कार्यकर्ता को मारा गया, पीटा गया। उसके साथ साथ जो आप स्थानीय लोग हैं जो डेरे सहमे हुए हैं क्योंकि उनके घर दुकान सबको जला दिया गया, घर में तोड़फोड़ किया गया। ये भयानक स्थिति है, पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरीके से एकदम खत्म हो चुकी है वहाँ पे। और हम जाना चाहते थे सुबह 11 बजे यहाँ से रवाना हुए। रवाना जब होने के वक्त आया तब पुलिस हमें रोक लिया यहाँ पे। हम तब से यहाँ बैठे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उनको बात करने के लिए। आप पेपर्स दिखाइए, जो पेपर्स के बजे क्या बोला जा रहा है, किस लिए रोका जा रहा? वो बोल रहे हैं कि हावड़ा में 144 धारा है, इसलिए आपको यहाँ पे रोका जा रहा है। जब पुलिस के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा झेलना मुश्किल हो गया तो सुकांता मजूमदार पर लगाई गई बंदिशें हटा दी गई, जिसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। हावड़ा हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी एक्टिव हो गए। उन्होंने हिंसा पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। मैं मानता हूँ ये दंगा नहीं है बल्कि इस देश के सौहार्द को तार तार करने का सांप्रदायिक पंगा है। और इस पंगे के पीछे कौन सी प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन सी साजिशें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। बंगाल की सरकार, बंगाल की पुलिस पूरी तरीके से आंख मूंद कर बैठी हुई है। वहां पर इन दंगाइयों को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। हमारी मांग है गवर्नर साहब से कि बंगाल में आर्मी को या पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया जाए, तैनात किया जाए, ताकि वहां पर हालात सामान्य हो सके, काबू में आ सके। हावड़ा में हुई हिंसा ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। हिंसा फैलाने का आरोप और हिंसा रोकने की जिम्मेदारी के ताने को लेकर ममता और बीजेपी फिर से आमने सामने। जहां तक हावड़ा की बात है तो आज दूसरे दिन भी वहां आगजनी और पत्थरबाजी हुई। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।